शोपाकेच पंडितः समदर्शिनः संदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी शोपाके च पंडिता पंडितः समदर्शिनः। समदर्शिनः हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बच्ची हरे कृष्ण विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव पाके च पंडिता समदर्शिना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्ची बच्ची हरे कृष्ण जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तने शुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि चैव च पाके च पंडिता समदर्शन दर्शन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनुवाद द्वारा ये विनम्र साधु पुरुष विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण विनीत ब्राह्मण गाय गाय हाथी हाथी कुत्ता तथा चंडाल को कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं, समभाव से देखते हैं। समभाव से देखते हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय दुशील प्रभु पाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए कोई बात। पढ़िए ज्योति माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः योनि के अनुसार कुत्ता गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीव की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल या चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी आप म्यूट हैं। जो अध्याय का शीर्षक है कृष्ण भावना भावित कर्म करना, हो सकता है हम ये सोचते हो कि हाँ हम तो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म में कितने सारे और विषय साथ में जुड़े हुए हैं, इस बात को इस अध्याय के श्लोकों से हम समझ सकते हैं कि जो पूरी तरह से अगर कृष्ण भावना से भावित होकर कर्म करना चाहता है तो उसका सोचने का ढंग, उसके देखने का कैसा होना चाहिए, उसी से संबंधित ही आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि अथवा समभाव से देखते हैं। अब विचार कीजिए कि जो हम सोचते हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं तो क्या हमारी दृष्टि ऐसी है जो आज के श्लोक में वर्णित है, क्या हम संभाव से देख पा रहे हैं? जैसे एक प्रवचन में एक वैष्णव कह रहे थे इस बात को कि सब में भगवान को देखना ये बात कहना एक बात है, तो उनके हजारों लोग उनकी कथा सुनते हैं लेकिन वो कहते हैं हमें तो अभी भी अगर कोई दिखाए तो ये कुत्ता है या ये बिल्ली है या ये चीज दिखाई देती है, हमें शरीर से ही केवल, उसमें परमात्मा की उपस्थिति भगवान का अनुभव करना, क्या वो दृष्टिकोण जागा है हमारे हृदय के अंदर, ये बात यहाँ विचार करनी चाहिए। जब तक वो भावना नहीं है कि कृष्ण उसके हृदय में ये बात अगर स्मरण रहे और उसके अनुसार तभी वैसा व्यवहार हो, तभी संभव या ये कहा जा सकता है कि हाँ ये कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझाते हुए कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता कि कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई पशु है या पक्षी है या किसी भी अन्य योनि में है, या फिर जाति का भेद नहीं मानता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, केवल जाति से मानना, ऐसा भेद नहीं मानता है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो इसके साथ साथ हम ये सब विचार करते हुए चलें कि हमारी मनोस्थिति क्या है, क्या हम योनि और जाति में भेद मानते हैं, हमारा मन वैसा चिंतन करता है या नहीं करता, क्योंकि इस सारे साधना का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है कि मन के सोचने के तरीके को बदला जाए और कृष्ण भावना भावित कैसे किया जाए, मेरी सोच मेरी विचारधारा मेरी इच्छाएं कैसे भगवान कृष्ण को केंद्र में रखे हों। लेकिन वो कैसे संभव हो सकेगा, जैसा यह वर्णन है कि योनि और जाति में भेद नहीं मानता कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। जैसे उनका वर्णन है ना मीरा जी के जीवन के बारे में कि मीरा जी जब वृंदावन चली गई, मेवाड़ से आ गई और चित्तौड़ से, और जब वृंदावन में रह रहे थे तो उन्हें मालूम चला यहाँ पर इस समय के सबसे जो महान वैष्णव हैं वो शिलाजीव गोस्वामी जी हैं, जो हमारे इन षड गोस्वामियों में से हैं शिलाजीव गोस्वामी जी, शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी।
जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष अनुयायी थे, तो उस समय में शिल रूप सनातन गोस्वामी जी जा चुके थे धरती से। उस समय जीव गोस्वामी जी ही थे जो ब्रज में थे, और ब्रज के बड़े बड़े वैष्णव और उनका दर्शन करने और उनसे कोई भी आपसी किसी बारे में सलाह करनी हो, आध्यात्मिक से विषय से संबंधित कोई चर्चा हो, या तो उनके पास आया करते थे समाधान के लिए भी। अब जब मीरा जी को पता चला तो मीरा जी उनका दर्शन करने के लिए आए। अब जब वहां पर दर्शन करने के लिए आए तो जीव गोस्वामी जी तो कुटिया में थे, बाहर सेवक था। सेवक ने को जब उन्होंने कहा कि मैं श्री जीव गोस्वामी जी से के दर्शन करने के लिए आई हूं, तो जीव गोस्वामी जी के उन सेवक ने जो था उसने कहा कि हमारे गुरुदेव तो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, या कुछ ऐसा शब्द कहा। तो मीरा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, कहती फिर तो मैं जरूर उनके दर्शन करूंगी। मैंने तो आज तक यही सुना था कि इस संसार में केवल एक ही पुरुष है और वो कृष्ण है। आज मुझे पता चला कोई और पुरुष भी रहता है उनके अलावा। तो श्रील जीव गोस्वामी जी अंदर कुटिया में थे, उन्होंने ये बात सुनी तो उनको लगा ये तो कोई शरीर के सर से ऊपर ही है कोई। तो जीव गोस्वामी जी उसी समय बाहर आए कुटिया से, और मीरा जी और जीव गोस्वामी जी की भेंट हुई। दंडवत प्रणाम किया, मीरा जी ने भी प्रणाम किया। तो यहां पर ये बात को विचार करनी होगी कि पूरी तरह से जब कृष्ण भावना भावित कोई हो जाएगा उसके मन में योनि या जाति का भेद नहीं रहेगा। अगर अभी भेद है मन में तो परिणाम में इसका मतलब अभी वो स्टेज नहीं है अध्यात्मिक, कृष्ण भावना भावित पूरी तरह से नहीं हुआ अभी मन। और आगे यहां पर वर्णन है कि सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर समाज की व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो मान सकते हैं ठीक है, ब्राह्मण जो है उनका अपना एक आचरण है या उनका व्यवहार, चंडाल का अपना एक कर्म है, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय और हाथी भी भिन्न हो सकते हैं। किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं, और जो विद्वान है और जो योगी है, जिसने योगी मतलब जिसने भगवान के साथ अपने मन को पूरी तरह से जोड़ दिया है, अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, या फिर जिसे कह लीजिए विद्वान योगी या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, तो उसके लिए शरीरगत भेद ये अंतर जो है ब्राह्मण का, चंडाल का, कुत्ता गाय या हाथी का, ये अर्थहीन है, कोई अर्थ नहीं है। म्यूट कर दीजिए बीच में जिनकी आवाज आ रही है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है, अर्थात वो इसमें भेद क्यों नहीं करते या अर्थहीन क्यों है? क्योंकि इसका कारण है परमेश्वर से उनका संबंध स्थापित हो चुका है, तब उनमें ये आकर्षण नहीं रहता, इस तरह का भेद बुद्धि नहीं रहती, स्त्री पुरुष आकर्षण नहीं रहता। अगर मन में अभी ये आकर्षण है बना हुआ, इसका मतलब ही है कि पूरी तरह से अभी हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, इसलिए मन के किसी झूठे झांसे में नहीं रहना चाहिए। इस बात को सोचकर कि हाँ अब तो मैं कृष्ण भावना भावित हो चुका, अब तो जो भी मैं व्यवहार करता हूं बस मैं तो पूर्ण हो चुका, ये सब विचारधारा जो है ये बड़ी ही खतरनाक है अहंकार।
या अज्ञान की या देहात्म बुद्धि की कह सकते हैं, जो लोग इसमें कि हाँ हम तो जैसे एक तुम्हारे गलती की दूसरे ने टोका कह लीजिए या उसको बताया कि ये ठीक नहीं ऐसा नहीं करना, तो क्या कहते हैं तुम तो अभी नए नए अभी हो, सारे जीवन भर मैं तुम्हें सिखाते रहूंगी, वो आत्मा कहते हैं। मतलब वो गलती अगर सामने वाला करे तो गलती है, अगर मैं वो गलती करूं तो मेरी गलती गलती नहीं है, ये कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि मैं सीनियर हूं इसलिए मुझे कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन सामने वाले को नहीं अधिकार, जूनियर को, कहीं ये शास्त्र नहीं कहता। तो सामान्यतः इस कारण से भी कई बार हमसे अपराध होते हैं, गलतियां होते हैं, और फिर उस समय तो हम विचार नहीं करते, एकदम दंड नहीं मिलता, लेकिन होता क्या है धीरे धीरे हमारी विचारधारा, हमारा सोचने का ढंग, उनके अंदर कहीं ना कहीं विनम्रता की जगह अहंकार आना शुरू हो जाता है। अब तो मैं सीनियर हो गया हूँ, अब तो मैं ऐसे हो गई हूँ, अब तो मैं, और परिणाम वही फिर उसके पतन का कारण बनता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार में जो पागल हो रखा है, अहंकार वश, कर्ता अहम इति मन में थे, वो अपने को कर्ता मान बैठता है, सोचते मैं करने वाला हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हर समय अपनी रट लगाए रखेगा, मैं करता रहेगा। तो संत कहते हैं ये मैं कौन करता है, मैं करता है बकरा या बकरी, जो मैं करते हैं तो परिणाम क्या होता है, उसके गले पे छुरी चलती है, मरना पड़ता है उन्हें, और फिर क्या करते हैं उनकी आंतें निकाल के, उन आंतों के ऊपर जब उसको पीटा जाता है ना, कई बार जैसे वर्क भी बनते हैं मिठाइयों पर, मशीनों पे तो बहुत महंगा पड़ता है, तो बड़ी दुकान वाले तो चलो ले लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी दुकानों वाले तो वही वाला लेते हैं, तो या तो भैंस की आंतों के ऊपर या उनके ऊपर पीट कर बनाया जाता है, इसलिए वर्क वाले मिठाई नहीं खानी चाहिए अगर मशीन से वो नहीं, इसलिए बड़ी दुकानें ही केवल उसको यूज करती हैं, महंगा होने से वो 3-4 गुना ज्यादा महंगा होता है आम वर्क से, नॉर्मल जो मिठाई पर चांदी का वर्क। तो उस समय जब पीटते हैं ना, वो हमने देखा है वहां पे दिल्ली के अंदर फतेहपुरी जगह है, वहां पर ये चांदी के वर्क बनते हैं, तो जब पीटते हैं आंतों के ऊपर रख के, भैंस की आंतों पर या ऐसे बकरी की भी शायद होती है, तब उन्हें पीटा जाता है कुछ, तो तब उसे तू तू आवाज निकलती है, जब वो आपस में स्लिप करती हैं और इस तरह का होता है। लेकिन जब तक जीवित रहे तब तक मैं करते रहे, मैं करने पर तो मरना ही पड़ता है। इसलिए जो लोग मैं करना सीख गए, केवल बस मैंने ये किया मैंने वो किया, उससे तो अहम भाव बढ़ेगा ही, अहंकार घटेगा नहीं। और यहां पर प्रभुपाद जी जो बात वर्णन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है। किनका संबंध? विद्वान योगी का या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। परमेश्वर का अर्थ क्या है? परम ईश्वर। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर तो हम कईयों को कह देंगे, कई बार ब्रह्मा जी को भी कह देते हैं, शिव जी को भी कह देते हैं, कई बार अन्य देवताओं देवी देवताओं को भी कह देते हैं, लेकिन परम ईश्वर तो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं परम ईश्वर तो कृष्ण है। तो यहां पर भी प्रभुपाद जी यही बात कह रहे हैं। और उन विद्वान योगियों का या कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों का या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनका परम ईश्वर से संबंध स्थापित हो जाता है, तब उनकी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में, वही परम ईश्वर क्या करता है, सभी के हृदय में, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में रहता है। और ये परमात्मा रूप कैसा है? जैसा भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है, ऐसा परमात्मा सब जीवों के हृदय में रहता है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान है। अगर हम परम सत्य भगवान से संबंधित ऐसा ज्ञान जान जाते हैं,
कि परमेश्वर तो कृष्ण है लेकिन उनका एक अंश रूप कह लीजिए, परमात्मा रूप जो है उनका अंश रूप वो सब जीवों के हृदय में रहता है। इस तरह से भगवान को जानना वास्तव में ये वास्तविक ज्ञान, ये यथार्थ सही ज्ञान कहलाता है। तो फिर गलत ज्ञान क्या है? बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, ईश्वर का तो कोई रूप ही नहीं होता। तो जब रूप को ही नहीं मानते तो परिणाम क्या होगा? केवल गुरु परंपरा तो सामने रखी है, 5-6 गुरुओं की, 5-6 या 7 गुरुओं की, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं का पता ही नहीं, गान ही नहीं। तो यहां पर यही बात को समझाया जा रहा है कि वास्तविक ज्ञान तो तभी संभव है जब परमात्मा रूप जो सबके जीवों के हृदय में स्थित है इसको जान देना। और जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जहां तक विभिन्न जातियों और विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, चाहे शरीर से संबंधित विभिन्न जातियों में कोई हो, ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हो, या विभिन्न योनियों में हो, मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, पक्षी हो, कुछ भी वृक्ष की योनि हो, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, सभी जीवों पर। 84 लाख योनियों में जीव किसी भी योनि में हो सभी पर बराबर, ये नहीं कि मनुष्यों पर अधिक है, पशुओं पक्षियों पर कम है, सब पर समस्त पर बराबर के दयालु हैं, समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। प्रत्येक मनुष्य को नहीं शब्द कहा जा रहा, देखिए प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। तो कैसी उनकी दया या करुणा है इस बात को विचार करके देखिए, कैसे भी करके वो चाहते हैं कि जीव उनकी शरण में लौटें। हमारा तो भगवान के प्रति क्या प्रेम होगा, भगवान का हमारे प्रति कैसा प्रेम है, जरा विचार करके देखिए कि भगवान उस जीवात्मा को जो भगवान से विमुख होकर 84 लाख योनियां भुगत रहा है जीवात्मा, वो हर जीवात्मा के साथ साथ उस योनि में जाते हैं, पशु की योनि, पक्षी की योनि, कीट पतंगे की योनि, वृक्ष की योनि, मालूम कुछ भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवान क्यों जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कभी ये जीव मेरी शरण में वापस लौटेगा, कभी। यहां तक कि मल का भी कीड़ा अगर बन जाता है, जीवात्मा उस योनि में चला जाता है, तो उसके भी साथ रहते हैं भगवान, मल के कीड़े के हृदय में उसके भी साथ रहते हैं। इससे हम समझ सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि हम तो भगवान से क्या प्रेम करेंगे जैसा प्रेम भगवान करते हैं हमसे, लेकिन हमारा प्रेम भगवान से ना होकर संसार से बना हुआ है, पत्नी से, पति से, बच्चों से, घर से, परिवार से, और अनेक तरह के ऐसे हमने बना रखे। तो यहां पर इस बात को विचार कीजिए, समझिए इस बात को कि अगर भगवान ने अवसर दिया है भक्ति करने का तो हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो प्रकृति के तीनों गुण हैं, उन तीनों गुणों द्वारा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं शरीर, जो कई बार ये चर्चा भी आई है ना, तो ये बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी भी वर्णन कर रहे हैं। किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, दोनों के आध्यात्मिक गुण एक जैसे हैं,
आत्मा के भी और परमात्मा के भी, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती। और फिर क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। तो एक है विद्वान शास्त्रों का रट्टा लगा के बन जाना, पुस्तकों का रट्टा लगा के बड़ा एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल बन जाना विद्वान, या फिर समदर्शी जो है यहाँ पर बात सबको समान दृष्टि से देखने वाली बात। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जिसको इसका पूर्ण ज्ञान होता है आत्मा और परमात्मा के बारे में, इस भौतिक शरीरों के बारे में जो पंच तत्वों से बना हुआ है शरीर, तो वास्तव में तभी वो विद्वान या पूर्ण समदर्शी हो सकता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, जैसे आत्मा चेतन है परमात्मा भी चेतन है, जैसे आत्मा अविनाशी है परमात्मा भी अविनाशी है, और दोनों क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत और आनंदमय हैं, किंतु सभी किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है। दोनों की क्वालिटीज, दोनों के गुण तो एक जैसे हैं, लेकिन मात्रा में अंतर है। जीवात्मा जो है आत्मा शरीर के भीतर सचेतन रहता है, केवल उसका एक लिमिटेड दायरा है केवल शरीर के अंदर। उस शरीर के बाहर किसके पेट में कितना दर्द हो रहा है, किसको कैसा कष्ट, उसका एहसास नहीं होता है। लेकिन जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है, लेकिन परमात्मा जो है जितने भी शरीर हैं सब में ही चेतन सचेतन है। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय हैं। आत्मा भी और परमात्मा भी दोनों चेतन हैं, दोनों शाश्वत सदा रहने वाले हैं, और दोनों आनंदमय हैं, सदा आनंद में रहते हैं। आत्मा भी और परमात्मा भी, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर के की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, केवल इस शरीर के भीतर ही सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहता है। तो ये बात को आज के इस श्लोक से समझना होगा, जिसको बीच में भी एक बात आई है कि परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती। तो दोनों की जो समानता है क्वांटिटी में समान नहीं है, क्वालिटीज में समान है, गुण एक जैसे हैं, लेकिन मात्रा के रूप में समान नहीं है। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी और गुरु महाराज देते हैं, समुद्र का अथाह जल और समुद्र के पानी की एक ड्रॉप, एक बूंद, दोनों की मात्रा में कितना बड़ा अंतर है। और दोनों के गुण जो हैं वो एक जैसे हैं। जो गुण भगवान कृष्ण में है वही सब गुण हमारे अंदर भी एक जैसे ही हैं। तो आज के इस श्लोक से ये बात को समझ कर विचार करके देखिए कि अगर
हमने इस तरह को से अपने सोचने के तरीके को अगर चाहते हैं कि बदले, तो हमें भी कृष्ण भावना भावित होना होगा। और कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें अपने कर्मों को इस तरह से व्यवहारिक रूप में करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान को केंद्र में रखते हुए कार्य करना। और इसके बाद के अगले श्लोक में वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। फिर आगे वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं। अब कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनके मन पहले से ही इस तरह की समता के भाव में स्थित हैं और एकत्व केवल एक ईश्वर को ही मानते हैं। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। ये बात हो रही है उनकी, जो मुक्त पुरुष हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये उनकी बात हो रही है कि उनके मन एकत्व में और समता में स्थित है और उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो ये बात आगे विचार समझ के देखिए कि अगर कोई समता के भाव में स्थित हो जाता है, अगर मन में एकत्व का भाव रहता है, एक मात्र केवल भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगा है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उनके जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को वे पहले ही जीत लेते हैं। और वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं, अर्थात जैसे ईश्वर है, सर्वव्याप्त है, या जैसे उदाहरण दिया गया था पिछली बार कि सूर्य की किरणें वो नदी से भी जल ले रही हैं, तालाब से भी ले रही हैं, समुद्र से भी ले रही हैं, और एक कचड़े का इसमें दूषित जल बह रहा है उसमें से भी जल रह रही है, लेकिन उन्हें दोष नहीं लगता। जैसे कहा है गुरु महाराज कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थवान है उसको दोष नहीं लगता। दोष किने लगेगा? जो अभी आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से बड़े जड़े नहीं हैं, जिनका मन अभी भी इंद्रिय भोग के तरफ ही आकर्षित होता रहता है, उनको अंतर पड़ेगा। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग जो एकत्व भाव में या समता के भाव में स्थित हैं, जिनके मन पूरी तरह से, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं। और सदा ब्रह्म ही स्थित और 24 घंटे केवल उस ईश्वर के ही चिंतन में रहते हैं। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई फक 19वें श्लोक का 5वें अध्याय के। जी अनुराधा माता जी पढ़िए आप। हरी बोल। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त करता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है।
भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए, उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में इसे समझा रहे हैं कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। अर्थात किसी के बारे में अगर आप चाहते हैं समझना कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार हुआ है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है या अपनी आत्मा का दर्शन हुआ है या परमात्मा का दर्शन, कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी मानसिक स्तमता जो है उसकी कैसी है इसको देखकर, कि उसके व्यवहार में वो क्या ये भेद बुद्धि उसके मन में है जो आजकल कूट कूट के भरा पड़ा है। हम तो ब्राह्मण है जी, हम तो ये है जी, अपना बहुत ही केवल शरीर। तो मानसिक समता के इससे एक परीक्षा की जा सकती है या समझा जा सकता है कि कौन वैष्णव ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है भक्त ने और किसने नहीं किया है। उसमें मानसिक समता आ जाएगी, वो भेद बुद्धि नहीं रहेगी फिर उसमें जो पहले बताया गया है। मनुष्य में, पशु में, पक्षी में या ये सब भेद बुद्धि और ज्योनि में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, इनमें और इसके अलावा स्त्री पुरुष में। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है मानसिक समता के, आत्म साक्षात्कार की, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए बांधना चाहिए। तो ऐसों को क्या है, उसने जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया मानना चाहिए। किन पर, किनको? जिन्होंने ऐसी समता की, मानसिक समता की अवस्था प्राप्त कर ली है, तो उन्हें ना तो कोई भौतिक बंधन व्याप सकता है, ना कोई संसार की, परिवार की, कुटुंब की, धन की या शरीर की ही किसी तरह का भौतिक बंधन नहीं है। उनकी आसक्ति या चिंतन या मोह नहीं है फिर उसका भौतिक बंधन हो, और खासकर जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए फिर उन्हें। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, और जब तक ये क्या मानता है कि शरीर ही आत्मा है, जैसे कई बार बच्चों से अगर पूछते हैं हम गुरुकुल के कि तुम शरीर हो या आत्मा हो, कोई कोई बच्चा क्या कहता है, हम तो दोनों हैं, अभी तो दोनों हैं ना, ये उसकी विचारधारा, क्योंकि उससे आगे वो ऊपर समझ ही नहीं पा रहा कह लीजिए, या पूर्व के कर्मों के कारण से मन इतने विचलित है कि वो इस विषय को समझने में रुचि नहीं जागती पहले तो। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, इस शरीर को ही आत्मा मान रहा है या आत्म स्वरूप, वह बद्ध जीव माना जाता है, तब तक उसे बद्ध जीव माना जाता है। और जब वो योनि और जाति का ये सब भेद बुद्धि खत्म हो जाती है तो वो मुक्त जीव माना जाता है। तो ये पहचानने का बड़ा आसान, समझने का एक तरीका है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। और अगर वो आत्म साक्षात्कार समचित्तता को, एक जैसा समान भाव उसको प्राप्त हो जाए, ये भेद बुद्धि योनि में और जाति में खत्म हो जाए अगर, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसी अवस्था तो कोई उन्नति कर ले तो वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, जिसे कहा है आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता। समचित्तता मतलब मानसिक समता।
जैसे मन के जो कार्य हैं, सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, एक संभाव में उसमें भेद अंतर ना हो, फिर भेद बुद्धि। केवल ऐसा ही व्यक्ति जीव बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर पाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। अब मुक्त होने का एक आसान अर्थ क्या है अगर समझना चाहें? मुक्त होने का दूसरा अर्थ है उसे भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी आयु, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। और जब मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, तो आध्यात्मिक लोक की तरफ, वैकुंठ की तरफ जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के लिए कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं, ये सब चीजें उन पर व्याप्ति ही नहीं है। लेकिन जब लीला करना चाहते हैं कोई, तो इस तरह से लीला करेंगे कि कभी माखन चोरी कर लेना गोप बालकों के साथ में, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लेना, कभी कुछ और घटना कर देना, बछड़ों के पीछे पीछे भागना। तो जबकि वो हर तरह से निर्दोष हैं, क्योंकि सारा जगत है ना, सारी भूमि गोपाल की, जब सब कुछ है ही भगवान श्री कृष्ण का, तो अगर उन्होंने कोई चीज उठा ली तो वो पराई कैसे होगी? और क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। निर्दोष क्यों हैं? क्योंकि उनकी ना तो कहीं पर आसक्ति है और ना किसी से घृणा है। चाहे रावण कंस ने भी इतने सब अत्याचार किए उनकी माता पर, उन पर, तो भी उसके बाद भी मन में घृणा नहीं है उनके प्रति, और बिल्कुल आसक्ति नहीं है संसार के प्रति। तो इसलिए कहा गया वर्णन है कि भगवान निर्दोष है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित हो जाता है, एक आसक्ति अटैचमेंट और दूसरा घृणा, तो वह भी निर्दोष बन जाता है। अगर आसक्ति अथवा घृणा हटा ले अपने जीवन में, तो वह भी निर्दोष बन जाता है प्रभुपाद जी का, और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। अब विचार करके देखिए कि अगर भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, तो हमें अपने स्वभाव को कैसे कैसे बदलना पड़ेगा। अब विचार कर लीजिए, चाहे एक ही पल में बदल दीजिए, चाहे लाखों करोड़ों जन्म लगा के कोई करिए प्रैक्टिस इस तरह के बनने की। तो यहां पर यही बात को समझाया जा रहा है कि जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। तब तक जब तक शरीर में आसक्ति है, शरीर के दुख सुख में, शरीर के राग द्वेष में, तब तक आवागमन का चक्र नहीं कटेगा। जब तक आसक्ति बनी है, इसलिए इस बात को शास्त्र के आधार पर समझिए, तभी संभव है कि हम मुक्त हो सके, जो कि मुख्य रूप से भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय इसी बात को समझाने के लिए है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अर्जुन जी महाराज की जय, जय दुर्शील प्रभुपाद महाराज की जय, जय श्री गुरु महाराज की जय, जय।